तो गाइस आज के इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले अपने नॉर्मल फ्री फायर के बारे में कि नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग अपडेट कैसे कर सकते हो। जैसे गाइस आप लोग उसकी में देखो, यहाँ पे मैंने अपने फोन के अंदर जो नॉर्मल फ्री फायर होता है उसको यहाँ पे अपडेट कर लिया है, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। सिंपल सा मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मेरा नॉर्मल फ्री फायर ओपन हो रहा है और आप लोग लोगो भी यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग को लोगो भी यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर का देखने को मिल जाता है। अगर ये फ्री फायर मैक्स होता तो यहाँ पे लोगो में लिखा होता फ्री फायर मैक्स, ठीक है। तो आप लोग प्रूफ के तौर पर यहाँ पे लोगो देख सकते हो जहां पे लिखा हुआ है फ्री फायर। तो गाइस आप लोग अपने फोन के अंदर नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले जितने बंदे चैनल पे न्यू है, फिर पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग अपडेट कैसे कर पाओगे। तो गाइस देखो, नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करने के लिए अगर मान के चलो आप लोग प्ले स्टोर के अंदर जाओगे, ठीक है, और यहां पे आप लोग सर्च करोगे फ्री फायर, तो गाइस आप लोग को यहाँ पे फ्री फायर मैक्स आएगा, लेकिन फ्री फायर नॉर्मल फ्री फायर जो होता है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग अपडेट कहाँ से कर सकते हो, चलो गाइस आप लोग को बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइस वो कुछ नहीं करना है, वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया, सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जिससे गाइस आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करोगे आप लोग के सामने कुछ स्टेप आ जाएगा। आपको मेरे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको मिलेगा एक बी आई टी लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग बी लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे कैसे कोई वेबसाइट मिलेगा गेम कंसोल नाम से, इस वाले वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना। जैसे इस वाले वेबसाइट को आप लोग ओपन करोगे आप लोग के सामने कुछ स्टेप इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऐड आएगा, ऐड पे आपको एक बार क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आपको लिखना है फ्री फायर OB39, बस ये लिख के आपको सर्च कर लेना है। इसी लिख के सर्च करोगे आप लोग के सामने यहाँ पे एक पोस्ट आ जाएगा OB39 से रिलेटेड, इस वाले पोस्ट को क्लिक करना है। जैसे आप लोग पोस्ट पर क्लिक करोगे कुछ स्टेप इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको धीरे धीरे गाइस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे के साइड चले जाना है, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे नीचे के साइड जाओगे गाइस आप लोग को यहाँ पे देखो मिल जाएगा फ्री फायर मैक्स अपडेट कैसे करें, तो यानी कि फ्री फायर मैक्स अपडेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से नीचे देखो क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन मिल चुका होगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं गाइस आपको प्ले स्टोर पर लेके आ जाएगा और यहाँ पे देखो मेरा प्ले का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर लेना। बाकी अगर आपका अपडेट का ऑप्शन नहीं आता तो आप लोग थोड़ा देर वेट कर लेना, आपका भी अपडेट आ जाएगा फ्री फायर, ठीक है। बात करें नॉर्मल फ्री फायर का अपडेट के बारे में कि नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कैसे कर सकते हो, तो गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे देखो मिल जाएगा हम लोग का फ्री फायर OB39 अपडेट नाउ का ऑप्शन, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। बस गाइस आप लोग का कहना है यहाँ पे जो अपडेट नाउ का ऑप्शन मिला है, सिंपल आप लोग को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस गाइस आप लोग को यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट कर लेना, जो कि गाइस आप लोग भी स्क्रीन पे देखो तो फ्री फायर OB39 अपडेट और नीचे देखो यहाँ पे टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। और 30 सेकंड वेट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे जो नॉर्मल फ्री फायर होता है फाइनली यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लेना, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग का अपडेट आ चुका है, ठीक है। और गाइस जितने बंदे देख रहे हो सारे के सारे बंदे जाओ जल्दी से अपडेट करो, ठीक है। अगर अभी तक नॉर्मल फ्री फायर को नहीं किया तो यहाँ पे आप लोग अपडेट कर पाओगे बड़ी आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल आप लोग को जो तरीका बताऊँ उसको फॉलो करने के बाद आपके फोन के अंदर भी डाउनलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस देखो यहाँ पे हम लोग का टाइमिंग खत्म हो चुका है। टाइमिंग खत्म होते ही गाइस हम लोग को एक न्यू मतलब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे OB39 अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं गाइस आप लोग के फोन के अंदर जो नॉर्मल फ्री फायर होता है वो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। देन आपके फोन के अंदर भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप लोग भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 बार डाउनलोड कर लिया, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसको रोक लेता हूँ। रोकने के बाद गाइस आप लोग को क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे नॉर्मल फ्री फायर को यहाँ से मैं क्या करता हूँ ओपन करके दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मेरा नॉर्मल फ्री फायर यहाँ पे ओपन हो रहा है बड़ी आसानी से, मेरे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोगों देखोगे तो लोगों भी आप लोग को फ्री फायर का देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी गाइस मैं क्या करता हूँ फटाफट इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ एंड आप लोग को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब प्रूफ मिल जाए ना। तो इसको दाब के रखते हैं, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं एंड इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। देन क्रोम को ओपन करते हैं, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देखो MBCMS, जो कि आप लोग देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर मेरे फोन के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलिंग आ चुका है। देन आप लोग को यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। देन डन 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 पे क्लिक करने के बाद गाइस देखो यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर आ चुका है, बस इसको ओपन करना है। जैसे इसको आप लोग ओपन करोगे तो गाइस आप लोगों के सामने कुछ स्टेप इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग को बता दूं आप लोग को OB का फाइल इसके अंदर ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग क्या करना, अपने भाई का फोन या फिर पापा का फोन किसी का फोन ले लेना। देन आप लोग को क्या करना, उसके फोन से वाईफाई कनेक्ट कर लेना। देन आप लोग को यहाँ से देखो डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ देर के बाद यहाँ पे आप लोग को 300 MB का आप लोग को अंदर डाउनलोड का फाइल मिल जाएगा, यानी कि OB का फाइल मिल जाएगा। बस गाइस आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस आप लोग को एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑल फ्री फायर होगा ना, पहले उसको क्या करना आप लोग अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। उसको अनइंस्टॉल करने
करने के बाद उसकी ही आप लोग इंस्टॉल करना, ताकि आप लोग आप लोगों का एकदम इंस्टॉल हो जाए, आपको कोई भी एरर या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बस पहले आप लोग जो भी नॉर्मल फ्री फायर पहले से होगा, जो भी हम लोग का ओ बी 38 वाला वो वाला, तो आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है। देन उसके बाद आप लोग को इसको ओपन करके जो ओ बी का फाइल होगा डाउनलोड कर लेना। बाकी इस टाइप से गाइस आप लोग अपने नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना था, मिलते हैं और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।